कम से कम आपको 70 क्रॉस करना ही होगा, किसी भी हालत में क्रॉस करना होगा। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का जो है इंग्लिश वीक है, पढ़ना वो मैक्सिमम पढ़ चुका है जी। तो गलती कम से कम, तो इसलिए जरूरी है कि डेली आप कम से कम अपने ग्रुप में बैठ के, जिनको भी हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम देना है वो कम से कम आप एक या दो सेट जरूर लगाइए, सेट प्रैक्टिस, हाँ, सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अच्छा, सेट प्रैक्टिस में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो चीज उनका बहुत स्ट्रांग है वही करने लगते हैं। ये बेवकूफी मत कीजिए आप, जो आपको आता है अच्छे ढंग से जो आपको आता है उस पर थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, जो थोड़ा सा आपका वीक सेक्शन है जिसको लगता है कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत अच्छी जाएगी। जिन्हें बच्चों को जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो 30 तारीख का आपका एग्जाम है उसके लिए अब क्या करें, कैसे करें या किस तरीके से तैयारी करें, क्या उस दिन एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, संपूर्ण जानकारी रामांशु सर से लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर बचे हुए समय में, अब तो समय ज्यादा है नहीं, और बच्चे लोग का कमेंट आ रहा है कि इस समय उनको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए अंतिम समय में। देखिए, किसी भी एग्जाम में अंतिम समय में जो मेन रणनीति होती है वो दो स्तर पे होती है। पहला तो ये कि एग्जाम में जितना जिसको पढ़ना है वो मैक्सिमम पढ़ चुका है जी। तो गलती कम से कम, तो इसलिए जरूरी है कि डेली आप कम से कम अपने ग्रुप में बैठ के, जिनको भी हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम देना है वो कम से कम आप एक या दो सेट जरूर लगाइए, सेट प्रैक्टिस, हाँ, सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अच्छा, सेट प्रैक्टिस में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो चीज उनका बहुत स्ट्रांग है वही करने लगते हैं। ये बेवकूफी मत कीजिए आप, जो आपको आता है अच्छे ढंग से जो आपको आता है उस पर थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, जो थोड़ा सा आपका वीक सेक्शन है जिसको लगता है कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत अच्छी जाएगी। जिन्हें बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से बहुत सारे मोर देन, मैं आपको बता दूं अभिषेक जी पर्सनली रूप से, कि मेरे पास जो बच्चे हाई कोर्ट वाले पढ़ रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। कोई सिविल कोर्ट में नौकरी कर रहा है, कोई सचिवालय में नौकरी कर रहा है, कोई बीएसएससी में नौकरी कर रहा है, कोई जो है एसएससी के थ्रू नौकरी कर रहा है, कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है, इस तरह के लोग नौकरी कर रहे हैं। और उसमें बस यही कि कोई 24 वाले में, कोई 42 वाले में है, कोई बिहार के बाहर है, अगर इस पोस्ट में भी तो बिहार के बाहर, दो चाहता है कि हम बिहार में आ जाए। इसलिए बहुत सारे ऐसे लड़के हैं और सब टैलेंटेड लड़के हैं, इसलिए जरूरी है कि लास्ट मोमेंट में एक तो आप रिवीजन में पूरा फोकस कीजिए, और रिवीजन में वो पोर्शन जो आपका आपका वीक है उसे पूरा फोकस कीजिए, तो उससे आपको लाभ क्या मिलेगा कि जो आपकी कमियां हैं वो कमियां हटने लगेंगी, और जो मेरिट जाने वाला है समझिए 40-50 पे नहीं होने वाला, कम से कम आपको 70 क्रॉस करना ही होगा, किसी भी हालत में क्रॉस करना होगा। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का जो है इंग्लिश वीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ रीजनिंग हो सकता है वीक हो, तो देखिए मैथ रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो भी बहुत नॉर्मल ढंग के आएंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में जब क्वेश्चन करते हैं तो गलती होने की संभावना आते हैं। तो जिनका मैथ और रीजनिंग जो है थोड़ा सा वीक है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 25 क्वेश्चन का डेली के हिसाब से वो जरूर प्रैक्टिस। अब ये नहीं कि आप एसएससी वाला उठा लीजिए, मेंस का उसका उठा, ये सब नहीं, नॉर्मल कीजिए तो आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश इसमें क्या है कि वोकैब से ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं जी। तो कोशिश कीजिए आप कि इंग्लिश के लिए कम से कम 25-50 क्वेश्चन का एक डेली टेस्ट अपने से मारिए, अपने से सॉल्व कीजिए, और मार्केट में कोई भी किताब उठा लीजिए, कोई किताब खराब नहीं, कोई भी आपको मार्केट में किताब मिल रहा उठा लीजिए उसको, और उसको लगा डालिए। कई लोग तो लगा भी लिए होंगे, अगर लगा लिए तो दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो, तो उससे क्या होता है कि और आपको नए नए प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस समय दो स्तर पे, पहला प्रीवियस ईयर से लेके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा जो आपका वीक पोर्शन है जो आपको लगता है उस पे आप कम से कम 1-2 घंटे टाइम दीजिए ताकि आप बहुत स्ट्रांग हो सके। जिन जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी तो जॉब वाले हैं, हाँ। बहुत अधिक फॉर्म लिया है, लेकिन इस बार का जो सीट था 550 सीट था, ये भी कम सीट नहीं है, तो सर इसमें जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, अब बिहार से थोड़ा सा इंग्लिश वीक होता है, इंग्लिश के लिए वो विशेष क्या करें, कुछ अलग रणनीति अपनाएं या जो सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है उसी पर ध्यान दें। देखिए अभी तो जिनका जो स्ट्रांग है, क्योंकि 75 क्वेश्चन तो बाकी समाना है जी जी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का है, और इंग्लिश इतना भी वीक नहीं होता कि 25 में आप 10-12 प्रश्न सॉल्व ना कर, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आपको 25-25 कर पाएंगे आप, जो अच्छा टैलेंटेड लड़का होगा 20 करेगा, और जो थोड़ा सा वीक होगा वो 10-12 करेगा, तो 7-8 क्वेश्चन का फर्क आएगा। लेकिन आप सभी से मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखिए उसमें आप बहुत डेप्थ में या बहुत कॉन्सेप्ट में लग हो सकता है कि आप ना पढ़ पाए, लेकिन आपको वर्ड्स तो रटने की क्षमता है ही है कम से कम, तो वर्ड्स अच्छे अच्छे रट जाइए ताकि वहां पे एग्जाम में अधिकांश, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इसके अलावा जो है सारे वर्ड्स के बारे में बताता है वो कैप्स वाले हैं, तो उस वाले पोर्शन को आप स्ट्रांग कर लेंगे तो आपका 12-14 क्वेश्चन आसानी सॉल्व होगा।
इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर जब एग्जाम का समय अंतिम चरण होता है, जब एक माह 10 दिन 15 दिन एग्जाम बचता है, तो ये अभ्यर्थी के मन में टेंशन होता है कि कौन सा बुक पढ़ ले। तो उस समय सर होता क्या है, ये हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा जो उनके पास बुक होता है निकालते हैं, 5 मिनट देख लिए फिर रखे उसको निकाले, उसको कैसे मैनेज करें, ये बहुत लोगों का प्रश्न था कि मन ही नहीं लगता है इसको पढ़े कि उसको पढ़े, कहाँ से आएगा क्या होगा, इन सारे से कैसे बचे। देखिए बहुत सारे बच्चे या तो नोट से पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, तो जो आपकी फेवरेट किताब है जिसको आप बार बार पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं, बस वही टेबल पर रखिए। बाकी सबको क्या कीजिए कि एक बोरे में बांधिए और रस्सी से बांध के कहीं भी किनारे रख दीजिए, ताकि उसको निकालना पड़े तो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम वेस्ट हो जी। तो जब आपको आंखों के सामने नहीं होगा ना, तो आप फिर आप खोलेंगे नहीं। तो आप अपने टेबल पे या अपने सामने अलमीरा पे जो भी बुक इस तरह की डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको वहां से हटा दीजिए, जाके किचन में रख दीजिए या बोरिया में भर के जो है बेड के नीचे डाल दीजिए, उसको अपने टेबल पे मत रहने दीजिए, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो आपकी जो फेवरेट किताब है जिसको आप बार बार पढ़े, कई बार पढ़े, उसी को बार बार पढ़िए। हाँ, जो क्वेश्चंस हैं वो आप नए नए लगाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नए क्वेश्चंस लाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब कोई भी नहीं मत पढ़िए। सर अभी आप बता रहे हैं और देखा भी गया है कि जितना सिविल कोर्ट हो या सचिवालय में छोटे पद पर हो या जो जो मतलब है, सभी लोग इसमें भरे हुए हैं। सर इसका मतलब उनसे यदि तुलना किया जाए तो किस तरीका से ये बेहतर है, एक तो सैलरी में और सर देखा जाए थोड़ा सा। देखिए जो भी पे ग्रेड होता है वो कई चीजों को डिफाइन करता है। पे ग्रेड डिफाइन, चूंकि 46 पे ग्रेड है, तो पहले ये डिफाइन करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, फिर दूसरा ये दिखाता है कि आपका पावर क्या होगा, तीसरा ये बताता है कि आपका वर्क क्या होगा, और चौथा फिर बताता है कि आपको और सारी फैसिलिटीज क्या मिलेगी। तो चूंकि ये हाई कोर्ट का है, तो जानिए मैं आपको बार बार बताया हूँ कि अगर हम सारे के सारे सिस्टम की बात करें तो कोर्ट अपने आप में अकेली ऐसी बॉडी जो बहुत ही स्ट्रांग है, कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए अपने आप में ये पावरफुल है। आपको बता दें कि कोर्ट के पास इतना पावर है कि डीएम एसडीएम से लेके भी वो उसके सामने बेकार है। कोर्ट बहुत चीज स्ट्रांग है। तो एक तो आपका कोर्ट की नौकरी हो गई, दूसरा क्या है कि पटना हाई कोर्ट है तो आपको पटना में ही रहना है, कहीं बाहर जाना नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जब आप पटना में रहेंगे और आपके लिए फर्स्ट क्लास जो है शानदार घर बना हुआ, आवास बना हुआ है, वहां आराम से आवास मिल जाता है, आवास की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने तरह के लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके बच्चों का ग्रोथ, आपकी पत्नी, आप एक अच्छे माहौल में रहेंगे। दूसरा क्या है कि बहुत लोग चाहते हैं कि हम शहर में रहें, अच्छे शहर में रहें, तो अगर आजकल की परिस्थिति है तो बिहार में पटना से बेहतर तो कोई शहर है नहीं। तो उसको आपको अच्छे शहर में मिलेगा, क्योंकि कोर्ट में आपका काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ेंगे, आपके घर परिवार में लोग खुश भी रहेंगे, और लोग पटना आते जाते रहे तो आपसे मिलते भी रहेंगे। सर प्रमोशन कितना समय बाद होता है? देखिए प्रमोशन तो जो है एसीपी जो लगता है ना, वो हर सबके लिए एकदम फिक्स है कि बना रखा है कि इतने समय पे ही प्रमोशन लेंगे। लेकिन प्रमोशन के साथ साथ क्या होता है कि कई बार बहुत सारी वैकेंसीज खाली हो जाती हैं, तो फटाफट उनका प्रमोशन हो जाता है। तो जो इनका प्रमोशन और सैलरी का है वो परफेक्ट टाइम पे अपना टाइम से होता रहता है, तो वो बना रखा है उन्होंने 8 से 8 साल का एक मिनिमम बना रखा है, तो 6 से 8 साल के बीच, कभी कभी 6 साल में भी हो जाता है, लेकिन 6 से 8 साल के बीच में आपका टाइम टू टाइम प्रमोशन उसमें हो जाएगा, और बहुत ऊंची पोस्ट भी आप जा सकते हैं जी। सर अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश दीजिएगा, जो भी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट वाले अभ्यर्थी हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए उनका पहले संदेश तो ये है कि जो मार्केट में इस तरह का रूमर चल रहा है कि 30 अप्रैल को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो दिमाग से निकाल दें जी। वो ये मान के 99.99% चले कि एग्जाम जो है 30 अप्रैल को ही होगा, पहला चीज। दूसरा है कि जितना से अधिक हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी नई किताब मत पढ़िए, सारी पुरानी किताबों को रिवाइज कीजिए, अगर कोई नई किताब आपके मार्केट में आती है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि 2-3 नए प्रश्न मिल जाएं, लेकिन बाकी आपको जो है 95 क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। तो जो पुराना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, बुक पढ़िए, क्वेश्चन पेपर अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए, और दिमाग में ये मान के चलिए कि भाई एग्जाम 30 अप्रैल को होने वाला है, उसी के हिसाब से अपनी पूरी की पूरी तैयारी रखिए। सबसे पहले बता दें, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।